बहुत सारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से आ रहा है कि क्या 1-2 दिन की प्रेगनेंसी के भी लक्षण दिखाई देते हैं, कि जैसे हमने रिलेशन बनाया उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रेग्नेंट हैं, हमें कुछ डिस्चार्ज टाइप का आ रहा है, कुछ हमें ब्लड टाइप का भी आया, कुछ हमें पतला डिस्चार्ज जैसा भी आ रहा है, और हमें कुछ कुछ सिम्टम्स भी दिखते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमने रिलेशन बनाया उसके बाद 2-3 दिन बाद ही हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और हमें ऐसे लक्षण भी आ रहे हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें टेस्ट कब करना चाहिए? हमें क्या सावधानी, प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी सावधानी रखनी चाहिए? ये क्वेश्चन है जो कई दिन से आप सब्सक्राइबर्स के पूछे जा रहे हैं कमेंट्स में। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको इन सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप इससे बेहद हेल्प होने वाली है। अगर आप इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ हम यहाँ शेयर करते हैं और साथ ही हम आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी की, तो 1 हफ्ता क्या होता है, 1 वीक क्या होता है? आज की डेट में जैसे अगर हमारा पीरियड आया है, तो आज की डेट में जो हमारा पीरियड है, आगे से 5 से 7 दिन का जो समय है, ये हमारा पीरियड वीक है। 1 हफ्ते का पीरियड वीक हम मान लेते हैं कि भले आपके 2-3 दिन ही आते हों, लेकिन आज से लेकर के आगे के 5 से 7 दिन तक का समय जो है ये पीरियड वीक है, पहला हफ्ता। दूसरे हफ्ते में अब पीरियड्स ओवर हो गए हैं, तो आपकी जो भी पीरियड साइकिल है उसके अकॉर्डिंग 8 दिन से लेकर के 18 दिन तक के बीच में आपका ओवुलेशन प्रोसेस है। ये 10 दिन जो है ये आपका ओवुलेशन का टाइम है, सबकी पीरियड साइकिल अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से सबका अपना अपना ओवुलेशन टाइम होता है। उसके बाद का जो 3rd वीक है, अगर आपने कंसीव कर लिया है, ओवुलेशन टाइम पे आपका एग फॉर्मेशन हुआ था, एग रैप्चर हुआ है, आपने रिलेशन बनाया है, तो अगर उस टाइम पे आपका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो 3rd वीक जो है, जो महीने के 18 दिन के बाद का जो समय है, वो आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, कि बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन अब स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आपको कुछ नहीं पता है, कुछ लोगों को पता भी चल जाता है, 50% लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है, 3rd वीक में ही पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है सिम्टम्स के बेसिस पे। मुझे भी मेरी 2nd प्रेगनेंसी में काफ़ी अर्ली स्टेज में ही पता चला था। एंड 4th वीक जो होता है, ये टाइम होता है जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सिम्टम्स बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं, यही पीरियड्स मिस होने का भी वीक हो, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो इस टाइम पे आपके पीरियड्स भी मिस होंगे, आपको बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स भी आएंगे, और जब आप टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट आपका पॉजिटिव भी आएगा। तो ये होता है 1 से 4 हफ्ते का समय, पीरियड आने से लेके पीरियड्स मिस होने के टाइम, और आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब आपने बात की कि 1 दिन की प्रेगनेंसी कैसे समझें, क्या 1 दिन की प्रेगनेंसी का सिम्टम पता चलता है? तो 1 दिन की प्रेगनेंसी की बात करें अगर, तो जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो 1 दिन की प्रेगनेंसी की अगर बात करें, तो 1 दिन की प्रेगनेंसी कुछ नहीं होती है, ना ही इसमें आपको कोई सिम्टम्स आते हैं। अगर आपने रिलेशन बनाया है और आपको उसके कुछ दिन बाद से ही डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं अभी। हाँ, हो सकता है कि इस रिलेशन के बाद आप प्रेग्नेंट हो जाएं, नो डाउट कि अगर आपने रिलेशन बनाया है और आपका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं इस रिलेशन के बाद, लेकिन तुरंत आपको 2 दिन बाद ही पता चल जाएगा, तुरंत आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन बाद, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर आपने कंसीव किया है, तो उसका फुल प्रोसेस चलेगा कि एग स्पर्म एक दूसरे से मीट करेंगे, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज्ड एग में बहुत सारे डिवीज़न होंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बहुत सारे डिवीज़न के बाद वो एम्ब्रियो का रूप लेगा, फिर उसमें कुछ डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, फिर वो जाके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में एटलीस्ट 1 वीक का, 5 से 7 दिन का समय लग जाता है, और उसके बाद आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। तो रिलेशन बनाने के 2-3 दिन आपको तुरंत से लक्षण दिखाई देने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो 1 दिन प्रेगनेंसी के, 2 दिन प्रेगनेंसी के कुछ नहीं होते। अगर आपने ओवुलेशन टाइम पर रिलेशन बनाया है, तो आपको 3rd वीक में दिखाई दे सकता है, या तो 4th वीक में जा करके आपको प्रोबेबली पूरे जो सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के दिखाई देंगे, या आपको पता चल जाएगा, आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आप प्रेगनेंट हैं। तो होप सो कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दे पाई हूँ, और आपको जो जानना चाह रहे थे, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
कोई भी क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा, इंस्टाग्राम हैंडल है बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।